उपस्थित आदरणीय मंडलायुक्त महोदय, आदरणीय महापौर मैडम, सभी म्युनिसिपल कमीशन महोदय और सभी इसके एग्जीक्यूशन से जुड़े हुए सभी सीनियर ऑफिसर्स और सभी रिस्पेक्टेड डेलीगेट्स, मैं डेलीगेट प्रोफाइल देख रहा था, बहुत हाई प्रोफाइल डेलीगेट्स हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी ट्यूनिशिया भी यहाँ पर आए हैं, मैं उनको भी कानपुर में वेलकम करता हूँ। और जैसा यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि कानपुर शहर में ये एक समिट हो रहा है, एक बहुत नेशनल लेवल का समिट यहाँ पे हो रहा है, तो आप सभी लोग इस समिट से फ़ायदा उठाएंगे और फिर यहाँ पे स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जीक्यूट होंगे, मेरा यह मानना है। बस मैं यहाँ थोड़ी देर था, मुझे दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में यहाँ पे आईं और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो आपने लिखा है स्मार्ट, हमेशा से एक चीज़ रही है कि आदमी को स्मार्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेबोरियस होना चाहिए। स्मार्ट कौन होता है? स्मार्ट वो होता है जो देखता है कि कहाँ मैं कैसे अपने आप को ऑप्टिमाइज कर सकूँ, एफिशिएंट सॉल्यूशंस निकाल सकूँ। वो इस बात पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। अगर कहीं पे पहले हो चुका है और अगर मेरे मैट्रिक्स में वो कस्टमाइज हो सकता है तो मैं उसको ले लूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि जब इतने सारे यहाँ पे ब्रेन्स यहाँ पे बैठे हैं तो जो सॉल्यूशन स्मार्ट सॉल्यूशंस कहीं पे टाइम टेस्टेड हों और वो यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स में फ़िट हो सकते हों तो वो हमें यहाँ पे लाने चाहिए कानपुर में। तो वो सब आप कर ही रहे होंगे। और दूसरी बात, मैंने एक रेड हैट का यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन सुना, पूरा यहाँ पे इनकी बात सुनी, तो रेड हैट का मेरा पहला जो अनुभव था वो IIT में एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का था, लिनक्स वहाँ पे आपका है जो वहाँ की लैब्स में लगा हुआ है, संभवतः अभी भी लगा होगा। तो रेड हैट से मुझे बात आती है, रेड हैट एक सिक्स थिंकिंग हैट्स एक बुक है फेमस डिबोनो की, उसमें एक रेड हैट होती है, तो वो काफ़ी जो इमोशनल जो रिस्पॉन्सेज रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वो रेड हैट वाला जो होता है माना जाता है। तो वो छह तरह की, ब्लैक हैट, वाइट हैट, येलो हैट, सब तरह की रहती हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल से सिर्फ रेड हैट नहीं रहेगी, सभी हैट्स रहेंगी और उसके बाद फिर एक जो सॉल्यूशन रहेगा वो एक कम्प्लीट सॉल्यूशन रहेगा। और यहाँ पे कमिश्नर साहब के मार्गदर्शन में, महापौर मैडम के मार्गदर्शन में बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत हमारे एक्टिव नगरायुक्त हैं। और हम भी एक स्पेशल अभियान यहाँ पर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हुआ है कि एक जिसका फोकस जो है क्लीनलीनेस है, उसको चलाते हुए एक अभियान चलाएंगे और सिटी हमारी स्मार्ट भी रहेगी, क्लीन भी रहेगी। और आगे जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं काफ़ी जो है हमारे जो हमने सोचा हुआ है, काफ़ी एडवांस सोचा हुआ है। जो सिग्नल्स की बात अभी हुई थी तो सिग्नल्स लेना, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएं कैसे ये पहुँचे और कैसे, क्योंकि एक गवर्नेंस का जो सबसे बेसिक सिद्धांत है, हम सब चीज़ें कर लें, ये सब कर लें, बेसिक सिद्धांत ये है कि जो हमारा एंड यूज़र है उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या वो अप्रिशिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो कह रहा है कि हाँ सही में फ़ायदा हुआ है तो तब एक डेमोक्रेटिक सेटअप में गवर्नमेंट पास होती है। और अगर वो कहता नहीं नहीं अब कुछ मेरे को तो लग नहीं रहा कुछ हो रहा है, कहीं हुआ होगा मुझे नहीं मालूम चल रहा है, तो हो सकता है हमने एफर्ट करा हो, तो वहीं वो स्मार्ट वाला अंतर आ जाता है। तो स्मार्ट वो है जो काम भी करे और उसके बाद दिखे भी और एफिशिएंटली काम करे, कॉस्ट कट करके काम करे, सब काम करके करे। मेरा मानना है कि जितने हमारे यहाँ पे जितने लोग आए हैं, जो हमारे यहाँ पे हमारे पैनल में हैं, जो हमें हेल्प कर रहे हैं, हमारे कंसल्टेंट हैं, वो सब हमें सही में स्मार्ट बनाने में मदद करेंगे। मैं फिर से नगर निगम को एक बार हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, वो अपने जो भी इनका मिशन है उसमें सक्सेसफुल रहें, आगे बढ़ें। धन्यवाद। एक बात मैं कह गया, मैं सभी गेस्ट को, क्योंकि मैं कानपुर का जिलाधिकारी हूं, तो सभी गेस्ट को मैं कानपुर में इनवाइट करता हूं। आप कानपुर अगर यहां पे हैं रुकें, कानपुर बहुत बहुत चीज़ों के लिए यहां जाना जाता है। बिठूर है हमारे यहां जो कि 1857 के समय से यहां जाना जाता है। बिठूर कानपुर नगर में तो नहीं आता, थोड़ा सा हटके आता है। हमारे यहां गंगा जी हैं, IIT कानपुर हमारे यहां है, हमारे यहां बहुत पुराना जो है दूसरा एक शहर में मेडिकल कॉलेजेस है, और बहुत पुरानी हमारे यहां यादें हैं। हमारे यहां लाल इमली है जो कि बहुत पुरानी फैक्ट्री रही हुई है। तो अगर आप हैं शहर में तो शहर को घूमें, जाने, समझें, ये बहुत ऐतिहासिक शहर है। धन्यवाद।